I'll tell you a little bit about the Land Rights Initiative. So we've set up this initiative to basically build knowledge on land rights issues across the country. And the idea is to engage directly with activists and government and other stakeholders on these issues. And obviously different groups who are affected by land conflicts across the country. So currently we are working on a project where we are looking at land rights in the scheduled areas in Andhra Pradesh, Gujarat and Meghalaya. So last month we made our first fieldwork trip to Gujarat, where we met with Mr. Sagar Avari. So Sagar Bhai is the secretary of the Kherut Samaj, which is the second largest farmers organization in Gujarat. And he's also the co-convener of the Jameen Adhikar Andolan Gujarat, which is JAG, is the acronym. And, he's been working with communities, farmers communities and villagers in Gujarat on issues relating to land conflicts, as well as civil rights violations that have occurred in and around such conflicts for almost 3 decades now. So when I heard that he was going to be in Delhi, I requested that he give a talk to us at CPR, because when we met with him, we heard a certain perspective or narrative about the Gujarat model of development, which is not what we've been hearing a lot in Delhi. And it was echoed in many of our meetings, but we met recently at another conference on land acquisition in the Delhi School of Economics, and Sagar Bhai was presenting this a lot of data on the things that he had been telling us, and we've also found that data has been very hard to find in Gujarat. So for all these reasons, I was very thankful that he accepted my invitation and agreed to give this talk at short notice. So without further ado, Sagar Bhai. Thank you, Namita. First, sorry, मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, समझता हूँ, लेकिन एक्सप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो मैं अपनी बात हिंदी में रखूँगा। गुजरात को लेके काफ़ी कहानियाँ गुजरात के बाहर हम लोग जब भी निकलते हैं तो सुनते हैं, लेकिन गुजरात में जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो बाहर जो कहानियाँ सुनते हैं उससे काफ़ी विपरीत है। हम जब ये सब बातें रखते हैं तो कुछ सवाल सामने भी आते हैं जो पॉलिटिक्स को लेके होते हैं, वो बाद में रखेंगे। पहले तो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, और जिस गुजरात मॉडल का इतना सारा प्रचार प्रसार हुआ तो सही में वो है क्या, और वो फॉलो करने लायक है या नहीं, ये सवाल हम सबके मन में उठना चाहिए। एक्चुअली ये गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल प्लानिंग के तहत किसानों को अपनी जमीन से उखाड़ने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ मैं बाद में जो कहने वाला था वो बात अभी कह दूं कि पॉलिसी रिसर्च सेंटर के लिए भी वहाँ एक बड़ा फील्ड है, क्योंकि जो पॉलिसी चेंज हुए गुजरात में वो कानूनों के तहत बहुत कम हुए, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन GR के तहत ज्यादा हुए, और उसका किसानों पर और जो लैंडलेस है उन पर उन GR का क्या असर हुआ वो एक बड़े संशोधन का विषय है। अगर ढंग से किया जाए तो बहुत चौंकाने वाले नतीजे उसमें से निकल सकते हैं, वो बाद की बात है। एक्चुअली ये मॉडल है किसानों को जमीन पर से उखाड़ने के लिए। कैसे उखाड़ा जाता है, मैं एक के बाद एक स्लाइड दिखाता हूं। ये शुरुआत के दौर में जो प्रोग्रेसिव मेजर्स थे किसानों के लिए, उनको एक के बाद एक GR के तहत रिमूव किया गया। जैसे गुजरात में 2 प्रोविजन ये थे कि जो गुजरात का किसान नहीं है वो गुजरात में एग्रीकल्चर लैंड खरीद नहीं सकता, वो कभी गुजरात का किसान नहीं बन सकता। और दूसरी बात यह थी कि अगर गुजरात का भी किसान है तो वो जहां का किसान है वहां से 8 किलोमीटर में ही नई खेती की जमीन खरीद सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। ये 2 चीजें शुरुआत में थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन छोटे किसानों को, मार्जिनल किसानों को था, क्योंकि लैंड प्राइस
ज्यादा बढ़ते नहीं थे, कंट्रोल में रहते थे, क्योंकि एक लिमिट थी खरीदने पर, कुछ मर्यादाएं थी, तो वो प्रोटेक्टेड थे। अभी भी वो किसान वाला प्रावधान है, लेकिन 8 किलोमीटर वाली जो बात थी वो एक जीआर के तहत 92 में उसको रिमूव कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि गुजरात का जो अर्बन एरिया है, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर, उसकी पेरिफेरी में जो गांव थे, उन गांवों की जमीनों के दाम बहुत बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? जो लोग शहर में आए थे और दो पैसे कमाए थे एग्रीकल्चर के सिवा दूसरे किसी कामों में, पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेट्स, उन लोगों ने वहां शहर के आसपास इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि वो 8 किलोमीटर वाली लिमिट निकल गई थी, कहीं पे भी किसान है, कहीं पे भी गुजरात में जमीन खरीद सकता है। तो सबने अपनी पसंद अर्बन एरिया के आसपास में रखी। ये 8 किलोमीटर कहां से? जहां का मैं किसान हूँ, मान लो मेरी जमीन धरोई गांव में है, तो मेरे गांव से 8 किलोमीटर की पेरिफेरी में ही मैं खेती की जमीन खरीद सकता हूँ, बाहर जाके अहमदाबाद के पास या और कहीं नहीं खरीद सकता। ये एक प्रावधान था, वो निकल जाने से जमीनों के दाम बहुत बढ़ गए, तो छोटे जो किसान थे वो उसको रजिस्ट नहीं कर पाए। Since we are recording this talk, I would request you all to keep your questions till the end. Thank you. दूसरा, दो तरह की जमीनें, दो तीन तरह की जमीनें थी गुजरात में। एक थी ओल्ड टेन्योर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी मालकियत में मिलती थी। दूसरी न्यू टेन्योर लैंड थी, वो जो लैंड रिफॉर्म्स हुए, भूदान में मिली, सीलिंग एक्ट में जो सरकार के पास जमीन आई और लैंडलेस को दी, फिर लैंड टू लैंडलेस प्रोग्राम के तहत जिन लोगों को मिली, वो न्यू टेन्योर लैंड थी। उसमें 15 प्रोविजन रहते थे, आप बेच नहीं सकते, गिरवी नहीं रख सकते, अपने सिवा और किसी को खेती करने भी नहीं दे सकते, यानी खुद खेती करना है, इस तरह के प्रोविजन थे। और 15 साल तक वो जमीन उसी तरह रहती, उसके बाद न्यू टेन्योर से ओल्ड टेन्योर होती थी। लेकिन उसका काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था कि आपको क्यों करना है वो एक्सप्लेन करना पड़ता था। एक जीआर के तहत इसको बहुत आसान बना दिया, तो हुआ ये कि जो छोटे किसान थे, जो इन प्रोग्रामों के तहत जिनको जमीन मिली थी, वो जमीन काफी पॉलिटिकल लोगों ने खरीद लिया। एकदम आसान था न्यू से ओल्ड कन्वर्ट करना, और उसके बाद उसकी रजिस्ट्री होती थी। जब तक वो न्यू टेन्योर थी उसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी, तो पहले कोई खरीदता नहीं था, तो उनके पास वो जमीन रहती थी। उसके बाद ये हुआ कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की पॉलिसी आई, तो इस तरह के जितने भी केसेस थे वो सब एक ही विंडो पे क्लियर होने लगे। तो जिन लोगों ने पहले उसको कन्वर्ट करके रखा था, वो बहुत आसानी से जमीन अपने नाम करवाने लगे। तो ये तो किसानों को जमीन बेचने के लिए प्रोत्साहित करने वाली बात थी कि वो बेच के निकल जाए उसमें से। लेकिन उसके बाद जो बात हुई वो बहुत खतरनाक थी। जैसे काफी इरिगेशन प्रोजेक्ट पहले बने थे गुजरात में, तो जो भी उसके कमांड एरिया थे उसको डी कमांड करने की प्रक्रिया शुरू हुई। एक सिंपल एग्जांपल है नर्मदा का, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। जब उसकी हाइट बढ़ाने की बात थी ट्रिब्यूनल के सामने, तब धोलेरा जो स्मार्ट सिटी बनने वाला है, वो भाल इलाका, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात, वहां के सब विलेज पंचायत से रेजोल्यूशन लिए गए थे कि हमको नर्मदा का पानी चाहिए, क्योंकि वहां पानी कम था, अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं है, ग्राउंड वाटर भी नहीं है, और बारिश भी बहुत कम है इन इलाकों में। तो टोटल 18 लाख हेक्टर का शुरुआती फिगर था कि 18 लाख हेक्टर को गुजरात में पानी मिलेगा नर्मदा से, फिर उसको घटा के 16 लाख हेक्टर किया। जब बांध बन गया, कैनाल में पूरा पानी आ गया अभी, तो एरिया एक के बाद एक डीकमांड होने लगे। उसमें से 4 लाख हेक्टर को डीकमांड करने का सरकार ने पॉलिसी डिसीजन ले लिया। 72,000 हेक्टर के ऑलरेडी ऑर्डर्स इश्यू हो गए, बाकी के पाइपलाइन में है, प्रोसेस में है, हो जाएंगे। करजन ऐसी एक दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था, उसका भी काफी इलाका डीकमांड कर दिया।
नर्मदा कैनाल में जो मेन कैनाल है उसमें 12 साल से पानी आ रहा है और पूरा फ्लो आ रहा है, लेकिन उसका जो नेटवर्क बनाना था खेतों तक जाने के लिए उसका 65% आज भी बाकी है, आज भी नहीं बना है। तो फिर वो पूरा फ्लो पानी का कहाँ जाता था, वो सवाल होता है कि कैनाल में अगर पूरा फ्लो आ रहा है और खेतों में जा नहीं रहा है तो पानी जाता कहाँ है। पानी तीन जगह जाता है, एक तो इंडस्ट्रीज को जाता है, जब किसान उसका ऑब्जेक्शन लेते हैं तो कहते हैं कि अभी नेटवर्क बना नहीं है, ऐसे ही पानी बह जाता है, कुछ पैसे उसमें से पैदा हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो कच्छ का छोटा डेजर्ट है जहाँ सॉल्ट पैन है बहुत सारे, उसमें पानी को खुला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कैनाल में से अगर निकाल नहीं लेते तो कैनाल टूट जाती, तो कभी तो डेजर्ट में छोड़ते हैं। और एक जगह है जहाँ से सौराष्ट्र के लिए पीने का पानी लिफ्ट किया जाता है कैनाल में से, वो नावड़ा गांव है, वहां से समुद्र 25 किलोमीटर दूर है, तो जितना पीने के लिए उठाते हैं उतना तो उठाते हैं, बाकी का जो पानी है वो वहां से सीधा समुद्र में बहा देते हैं। यानी नर्मदा से केवड़िया से पानी लाके भवनगर के पास समुद्र में बहा देते हैं, लेकिन किसानों को नहीं देते हैं। ठीक है, नेटवर्क नहीं बना एक अलग बात है, लेकिन पिछले 5 साल में ऐसे बहुत केसेस मेरे पास आए कि जिनके खेत मेन कैनाल से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक दूर हैं, वो किसान कैनाल पे इंजन अपना रख के उसमें से पानी लेते थे। फर्स्ट ईयर सरकार ने पानी लेने दिया, सबसे 1,000 रुपया डिपॉजिट लिया और बोला कि आप पानी उठाओ। दूसरे साल से उन लोगों ने वो बंद कर दिया, और अगर कोई किसान वहाँ अपना इंजन रखता है तो उसका इंजन जब्त होता है, पुलिस केस होता है, ये सब कुछ होता है। समुद्र में पानी जाने देते हैं लेकिन किसान को नहीं लेने देते हैं, वो पानी के चोर है, पानी की चोरी की जाती है, ऐसे उन पर केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बहुत मात्रा में केस रजिस्टर्ड हुए। आप हालत देखो कि काफी ऐसे किसानों से मैं मिला हूं जिनका आधा खेत कैनाल के काम में गया, उन्होंने खुशी खुशी दिया कि भी मुझे आगे चल के पानी मिलने वाला है, और बिल्कुल जहां से पानी गुजर रहा है बड़ी मात्रा में और उसको सट के उसका खेत बिना पानी के सूख रहा है, तो किसान लेगा पानी। ऐसे 1,000 से ज्यादा मशीन जो विरमगाम से कच्छ ब्रांच है उस पर पुलिस ने डिटेन किए हैं और बहुत सारे केस रजिस्टर्ड हुए हैं। वहां SRP कैनाल का पेट्रोलिंग करती है कि ये लोग कहीं रात में चोरी छुपी से पानी ना निकाल लें। तो ये तो पानी की और सरकार की पॉलिसी की बात है। गिफ्ट सिटी में नर्मदा का पानी जाता है, अहमदाबाद में बहुत कम लोगों ने देखा है, उसका रिवर फ्रंट है ना, उसको मॉडल माना जाता है। अब थोड़ा ज्यादा समय निकाल ले, जब भी अहमदाबाद आए रिवर फ्रंट से 2 किलोमीटर या तो अपस्ट्रीम चले जाइए या 2 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चले जाइए, फिर आप साबरमती देखिए, उसमें जो भी पानी है वो गांधीनगर के पास करई गांव है, वहां से साबरमती में नर्मदा का पानी डाला जाता है, वो एक तालाब है, आर्टिफिशियल लेक है वो, उसके ऊपर साबरमती में बिल्कुल पानी नहीं है, और नीचे अगर आप गए तो इतना पॉल्यूटेड पानी है, क्योंकि नरोड़ा वटवा GIDC का, नारोल GIDC का पूरा पॉल्यूशन साबरमती में फेंक दिया जाता है। अगर आप वहां के पानी में उंगली डालो और बाहर निकालोगे तो जैसे आपने ऑयल मैं उंगली डाल के बाहर निकालो और जैसे ऑयल चिपकता है वैसे पानी चिपकता है, क्योंकि वो हाईली पॉल्यूटेड है। वहां से समुद्र के बीच का जो अंतर है उसमें जितने भी कुएं हैं, हैंडपंप है, उसमें से रंगीन पानी निकलता है, कहीं आपको नीला पानी मिलेगा, कहीं आपको हरा पानी मिलेगा, कहीं आपको पिंक पानी मिलेगा, तो वो पूरा पॉल्यूशन साबरमती में जाता है। साबरमती अहमदाबाद के नीचे का इलाका बहुत फर्टाइल था पहले, कुछ साल पहले, क्योंकि ऊपर से साबरमती आके समुद्र में मिलने से पहले बहुत बड़े इलाके में स्प्रेड होती थी।
तो पूरे इलाके में पानी फैलने की वजह से हर साल उसको नई सॉइल जो पहाड़ों में से बहके आई है वो मिलती थी। अब क्या हुआ कि पूरा इलाका हाईली पॉल्यूटेड हो गया, वो पानी पीने लायक नहीं रहा, वो पानी खेती के लायक नहीं रहा। ये अहमदाबाद के सराउंडिंग की बात है। अगर आप साउथ गुजरात में जाओ तो जिसको गोल्डन कॉरिडोर बोलते थे गुजरात का, आज भी बोलते हैं, बड़ौदा से लेके वापी तक, अभी दो किस्से बहुत भयानक सामने आए। एक तालाब जैसा था, भैंस तो पानी देख के अंदर चली जाती है, चार पांच भैंसे उसमें जैसे ही घुसी दौड़ती हुई बाहर आई और थोड़ी देर बाद उनकी चमड़ी ऐसे टपक टपक के निकल गई, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज का हाईली पॉल्यूटेड केमिकल वाला पानी था। और वही पानी परकोलेट होके आसपास के गांवों के कुएं में, तालाबों में, सब जगह जाता है। दूसरा इंसिडेंट यह था कि अंदर तो एक इंडस्ट्रीज है, वहां से 7-8 किलोमीटर दूर समुद्र है, लोगों को पता ही नहीं था। एक दिन अचानक जमीन में से ऐसे फवारा निकला, तो अब रिपेयर तो करना पड़ेगा। जब रिपेयर करने आए तब पता चला कि जो इंडस्ट्रीज का जो पॉल्यूटेड पॉल्यूशन था वो पूरा पानी के साथ समुद्र में अंदर तक एक पाइपलाइन बिछा के रखी थी, उसको सीधा समुद्र में डाल देते थे। दक्षिण गुजरात में ऐसे बहुत बार हुआ कि लाखों की तादाद में, ऑल ऑफ ए सडन आप सुबह जाओगे किनारे, लाखों की संख्या में आपको मरी हुई मछलियां मिलेगी, और ये तो अखबारों में और सब जगह आया। उसकी वजह किसी को पता नहीं चलती थी कि अचानक से क्या हो जाता है कि पिछले 7-8 साल में बहुत भारी संख्या में मरी हुई मछलियां किनारे पे आ जाती हैं। ये जब पाइपलाइन का पता चला तब पता चला कि जब पॉल्यूशन की मात्रा एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है तो अंदर की मछलियां सब मर जाती हैं और फिर किनारे पे आ जाती हैं। तो ये इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर गुजरात में क्या स्थिति में है, उसकी छोटी सी बात मैंने रखी। जो सरकार ने अपनी तरफ से कुछ कदम खेती को मारने के लिए उठाए, उसमें एक था 2009 में बना SIR एक्ट, उसका पूरा नाम है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 2009। ये बहुत ही गजब किस्म का और खतरनाक एक्ट है। ये लागू होता है गांवों में, एक सिंपल नोटिफिकेशन से वो कहीं पे भी SIR घोषित कर सकते हैं। उसमें प्रावधान जो है वो समझने बहुत मुश्किल है आम लोगों के लिए। एक सेंटेंस है उसका कि इसके तहत होने वाला पूरा प्लानिंग अर्बन टाउन प्लानिंग एक्ट 1976 के तहत होगा। सिंपल लगता है, लेकिन आप जब अर्बन टाउन प्लानिंग एक्ट गुजरात का देखते हो तो उसमें 20-50% लैंड सीधा डिडक्शन होता है, उसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं होता है। तो गांव, इंटीरियर गांवों में जो SIR होते हैं अभी, उसमें 50% तक किसानों की जमीन बिना मुआवजा सरकार ले लेती है। फिर पूरा लैंड पूलिंग होता है इलाके का, उसके फाइनल प्लॉट बनते हैं। मेरा 10 एकड़ जमीन है तो मुझे 5 एकड़ वापस मिलेगा, 5 एकड़ जमीन कहां मिलेगा वो मुझे पता नहीं, वो जहां टाउन प्लानिंग ऑफिसर चाहे वहां देगा। यानी मेरी जमीन इस गांव के इस छोर पे है, हो सकता है कि मुझे फाइनल प्लॉट गांव के उस छोर पे मिले। उस परिस्थिति में होता यह है कि मेरे यहाँ जो कुआं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, दूसरी जो खेती की सुविधा है, वो तो मैं उठा के वहां ले नहीं जा सकता, यानी खेती करना मुश्किल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। तो क्या करना है, बेच दो अपनी जमीन, बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। इसके चलते ये बहुत पब्लिसाइज हुआ गुजरात के बाहर कि गुजरात में लैंड एक्विजिशन को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। लेकिन गुजरात में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं और सरकार को काफी जगह विड्रॉ करना पड़ा है।
उसके बड़े SIR के अगर देखे एग्जाम्पल, मंडल बहुचरा जी SIR जो 50,884 स्क्वायर किलोमीटर में बनने वाला था, सॉरी हेक्टर, उसको विड्रॉ करना पड़ा सरकार को। ओलपाड़ SIR गुजरात सरकार को विड्रॉ करना पड़ा। दहेज SIR गुजरात सरकार को विड्रॉ करना पड़ा। और धोलेरा SIR 92,000 हेक्टर जमीन जिसमें है, 22 गांव है, उसके खिलाफ चल रहा है। ऑन पेपर सब कुछ बहुत बढ़िया है, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप देखें तो एकदम से खुश हो जाएंगे कि क्या जन्नत बन जाएगा ये, लेकिन अभी तक वो ग्राउंड पे कुछ भी काम नहीं कर पाए हैं। अभी लास्ट 4-5 दिन पहले फिजिकल सर्वे के लिए गए थे तो किसानों ने भगा दिया उनको। जितने भी CPR थे, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स थे, ग्रेजिंग लैंड थी, वेस्टलैंड थी, वेस्टलैंड शब्द से मेरा ऑब्जेक्शन है, वेस्टलैंड जहां पर भी लिखते हैं वो सही मायने में वेस्टलैंड नहीं होती है। ब्रिटिशर्स ने जब कैटेगराइजेशन किया लैंड का तो फॉरेस्ट लैंड तो थी, एग्रीकल्चर लैंड थी क्योंकि उसमें से उनको रेवेन्यू मिलता था, लेकिन जो लैंड फॉरेस्ट भी नहीं थी, एग्रीकल्चर भी नहीं थी, वो उनके लिए वेस्ट थी क्योंकि उनको उनमें से कुछ नहीं मिलता था। लेकिन गांव के बहुत सारे लोग जो लैंडलेस हैं उनका लाइवलीहुड उसी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के जो कॉमन्स थे वो बहुत बड़ी मात्रा में गुजरात में कॉरपोरेट्स को दिए गए हैं। बहुत उनको दूसरे अलग अलग तरीकों से बहुत पैसे भी दिए जाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है उनको, बिजली, सड़क, नर्मदा का पानी, वो सब सरकार अपनी ओर से प्रोवाइड करती है उनको। उसके सामने एग्रीकल्चर को गुजरात में क्या मिलता है, SIR एक्ट मिलता है, इरिगेशन एक्ट मिलता है, और अलग अलग किस्म के GR मिलते हैं जो उसको मारते हैं। इरिगेशन एक्ट की कहानी यह है कि 2013 में वो बना, उसमें ऐसे ऐसे प्रोविजन है कि मेरा खेत अगर कैनाल से 200-300 मीटर दूर है, मेरा अपना कुआं या ट्यूबवेल है, मैं उसमें से इरिगेशन करता हूं, लेकिन अगर कैनाल ऑफिसर को लगे कि मेरे कुएं में या ट्यूबवेल में जो पानी आ रहा है वो कैनाल से परकोलेट होके आया है तो मुझे इरिगेशन का चार्ज करेगा, वो जो चार्ज करे वो मुझे चुकाना है, अगर मैंने नहीं चुकाया तो उसको बाकी रेवेन्यू के मुताबिक काउंट होगा। 3 साल तक आपका रेवेन्यू बाकी रहता है तो लैंड कलेक्टर ले लेता है, उसको गुजराती में श्री सरकार जमीन बोलते हैं, यानी जमीन सरकार के नाम हो गई। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। कुआं बनाना है तो लाइसेंस लेना है, अपना वहां कैनाल से गुजर नहीं सकते, कैनाल का डेफिनेशन जो उन लोगों ने बनाया वो बहुत खतरनाक है, इस तरीके से कि जहां से भी पानी गुजरता है, चाहे वो बांध का हो चाहे बारिश का हो, और जहां पर भी पानी इकट्ठा होता है वो सब पार्ट ऑफ कैनाल है, और वो सीधे कैनाल ऑफिसर की निगरानी में रहेंगे और वो सबको ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। इसके सिवा तो फिर गांव में कुछ बचता ही नहीं है क्योंकि हर जगह से पानी, बारिश का पानी तो गुजरता ही है। काफी विरोध हुआ इसका, एक्ट तो बन गया क्योंकि बहुमत था असेंबली में, गवर्नर ने साइन भी कर दिया, लेकिन विरोध को देखते हुए आज तक उसके रूल फ्रेम सरकार नहीं कर पाई है, क्योंकि रूल फ्रेम अगर कर दे तो इम्प्लीमेंट होने लगेगा तो फिर सरकार के हाथ से पूरी बाजी निकल जाएगी। उन्होंने अभी तक रूल फ्रेम नहीं किए हैं और वो ऑफ द रिकॉर्ड बोलते भी हैं कि ये रूल फ्रेम होने वाले नहीं है। ये किसानों के लिए था एग्रीकल्चर कैसे कैसे निग्लेक्ट हो रहा है उसकी ये बात है। एक अहम बात जो मैंने आगे नहीं कही, कितने भी कम बारिश के दिन आए, अलग अलग वजह से जितनी भी बार क्रॉप फेल्योर हुआ गुजरात में, एक भी बार
सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया है। काफी फार्मर सुसाइड हुए हैं, 2012 में 56 फार्मर्स ने सुसाइड किया था। ये जो लास्ट मानसून गया जिसमें कॉटन के भाव बहुत कम थे, ग्राउंड नट के भाव बहुत कम थे, उसमें ऑलरेडी उसी एक महीने में 8 फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया किसान में। मेरे पास एक फार्मर्स के सुसाइड का क्लिपिंग है, बहुत ही खतरनाक है। आप लोग चाहोगे तो मैं बाद में दिखा भी सकता हूं, मेरे लैपटॉप में है। इस तरह के जितने भी हादसे हुए, कभी सरकार ने या सरकार के किसी प्रतिनिधि ने उसको नोटिस ही नहीं किया, इग्नोर ही किया। दूसरे हर तरह के कामों में अगर कंट्री लिकर पी के लोग मर जाते हैं तो 1 लाख रुपया मुआवजा मिलता है, और कुछ दुर्घटना में कुछ हुआ तो मुआवजा मिलता है, लेकिन अगर किसान ने सुसाइड किया तो उसको कोई देखता देखने वाला ही नहीं है। काफी समय तक तो सरकार इग्नोर करती रही कि गुजरात में सुसाइड होते ही नहीं है। आरटीआई के जरिए, छोटी छोटी आरटीआई डाल के जब डेटा पूरा निकाला गया, तब पता चला कि 1200 से अधिक किसानों ने सुसाइड कर लिए है, और वो FIR में रजिस्टर्ड है। जो FIR में रजिस्टर्ड नहीं है वो संख्या अलग है। इतने सारे इन्वेस्टमेंट के दावे बहुत सारे हुए हैं, दावों में भी कहीं एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट नहीं है। एग्रो इंडस्ट्रीज में किसी ने दावा भी नहीं किया है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, बाकी सब में दावा किया है। एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है गुजरात में कई सालों से, एग्रो इंडस्ट्रीज पॉलिसी है, इंडस्ट्रीज पॉलिसी है, सब तरह की काफी सारी पॉलिसीज है, लेकिन एग्रीकल्चर पॉलिसी गुजरात सरकार की बहुत सालों से नहीं है। यानी एग्रीकल्चर को वो कोई सेक्टर ही नहीं मानते हैं। आज भी 56% लोग गुजरात में एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। पब्लिक सर्विसेज के बारे में जितना कम कहे वो बेहतर है। आज जो कहा जाता है, आज से 17-18 साल पहले गुजरात का हर 1000 का पॉपुलेशन वाला गांव सीधा अहमदाबाद से ST से कनेक्टेड था। रात को बस जाती थी स्टेट ट्रांसपोर्ट की, गांव में रुकती थी, सुबह 6:30-6 बजे निकल के वापस अहमदाबाद आती थी। यानी गांव के लोगों की सीधी कनेक्टिविटी थी, सुबह निकल के आओ अपने काम निपटा के रात को वापस अपने गांव जाओ। ज्यादातर गांवों में अब ST कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। PHC ज्यादातर गांवों में आज से 25 साल पहले बड़े गांवों में 10-12 गांवों के बीच एक PHC होता था, उसमें सुविधा मिलती थी। आज ज्यादातर PHC बंद है। जहां चालू है वहां या तो डॉक्टर नहीं है या दवाइयां नहीं है। कई PHC ऐसे हैं जिसमें बबूल के पेड़ उग गए इतने सालों में। प्राइमरी एजुकेशन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, टीचर्स है ही नहीं। टीचर्स नहीं होने की एक बड़ी वजह यह हुई कि एक नए किस्म का प्रयोग गुजरात में शुरू हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का, जिसमें प्राइमरी टीचर को सैलरी मिलती थी 2,500 रुपये, पुलिस कांस्टेबल की सैलरी 3,500, पुलिस सब इंस्पेक्टर की सैलरी 5,500, हायर सेकेंडरी टीचर 5,500 रुपये। तो इस तरह का जो प्रयोग हुआ उसमें कोई एजुकेशन फील्ड में जाना चाहता नहीं था, क्योंकि 2,500 रुपये की सैलरी में क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, कैसे जिएगा, वो सब सवाल थे। वो लोग जब हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने 3 बार कहा है कि इनको कम से कम मिनिमम वेज तो दो, ये तो इससे भी कम है। सरकार उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल करती रही, बाद में नहीं चला और सरकार ने फाइन किया, तो अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, लेकिन आज तक उनको पैसा नहीं मिला है। जितने भी पब्लिक सर्विसेज के बजेटरी एलोकेशन थे वो बहुत रिड्यूस हो चुके हैं। आप 15 साल पहले के बजट निकाल के, कोई भी बजट निकाल के बैठो और लेटेस्ट बजट निकाल के बैठो, फिगर कम हुई है।
उसका इन्फ्लेशन वगैरह तो आप छोड़ दीजिए, एक्चुअल फिगर भी जो पहले थी वो आज नहीं है। फिर भी एक ही पार्टी चुनाव जीतती क्यों है, वो अक्सर मुझे सवाल पूछा जाता है कि तो फिर जीतते कैसे हैं अगर इतना सारा खराब कर रहे हैं। उसमें एक अहम जो बात है वो गुजराती अस्मिता, अस्मिता नाम का बहुत शराब पिलाया गया पिछले सालों में, बिल्कुल कैलकुलेटेडली बहुत सारे फेस्टिवल लोगों को सोचने के लिए फ्री ही नहीं रहने देना है। सरकारी स्टाफ को अपने ऑफिशियल काम के लिए भी फ्री नहीं रखना है। अभी एजुकेशन मेला लगाओ वो खत्म हो गया, गरीब मेला लगाओ गरीब मेला खत्म हो गया, तो काइट फेस्टिवल की तैयारी करो, काइट फेस्टिवल खत्म हो गया तो वाइब्रेंट नवरात्रि की तैयारी करो, वाइब्रेंट नवरात्रि खत्म हुई तो अभी वाइब्रेंट समिट की तैयारी करो। मतलब कोई महीना ऐसा नहीं छोड़ना जिसमें ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठ के काम करे। जिम्मेदारी क्या उनको, जैसे वाइब्रेंट समिट के लिए हर आदमी को जो रेवेन्यू तलाटी है गांव का तुमको 50 लोग लाने हैं, यानी बस तो पहुंच जाएगी, अब 50 बंदे इकट्ठा करना उसकी जिम्मेदारी है, तो वो उसी में लगा रहेगा। वो सात बार निकालना, किसी का डेथ हुआ तो उसका डेथ सर्टिफिकेट देना, बर्थ सर्टिफिकेट देना, रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट करना, उसके लिए उसको टाइम ही नहीं है। और ये जो सैलरी वाला चक्कर कॉन्ट्रैक्ट का चला चक्कर, उसमें अभी हालत ये है कि 7-8-10 गांव के बीच एक तलाटी है, तो इतने सारे गांवों का रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेगा। किसी को भी आप गुजरात में पकड़ के पूछ लो, उसके पिताजी को माताजी को मरे हुए 8-10 साल हुए, उसको पूछ लो कि तेरे 7 बार जो डॉक्यूमेंट है रेवेन्यू का उसमें तेरा नाम आया क्यों नहीं आया, क्योंकि उनका नाम डिलीट ही नहीं हुआ है, उसके लिए तलाटी के पास टाइम है ही नहीं, वो करता ही नहीं है, तो उसका नाम एंटर होने का मतलब वारिस का नाम अंदर आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरह के कामों में एक्टिव रखा लोगों को भी, बिल्कुल त्योहारों में एक्टिव रखा, वाइब्रेंट नवरात्रि में आओ, वाइब्रेंट समिट में आओ, इसमें आओ उसमें आओ, अपना क्या हो रहा है वो सोचने का किसी के पास वहां समय बचा नहीं। बाकी का जो था वो मैनेजरियल टास्क है, वो मैं अलग से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि कैसे उसको मैनेज किया जाता है। स्टेट की तरफ से एक तरफ का फियर हर सिटीजन के दिमाग में बैठाया गया है। 144 ऑलमोस्ट पूरा साल रहता है, पहले काफी डेमोक्रेटिक स्पेस था, कोई भी चौराहे पे एकदम शॉर्ट नोटिस में 3 घंटे पुलिस को बोल दो कि हम शाम में, दोपहर में बोल दो कि हम शाम में यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, तो पुलिस परमिशन मिल जाती थी, अभी नहीं मिलती है। अगर आपने सीधे ही आ गए तो डिटेन होते हो। शुरुआत का एक दौर चला कि डिटेंशन से मामला निपट जाता था, शाम में छोड़ दिया आपको, या शाम में पकड़ा तो रात को 12-1 बजे आपको छोड़ दिया। अब केस रजिस्टर होने लगे, FIR बाकायदा रजिस्टर होती है, यानी जो आदमी पब्लिक लाइफ में है ऐसे हर इंसान पे 4-5-6-2-3 केस चालू है, यानी हर महीने उसको 3-4 कोर्टों के चक्कर काटने हैं। अब पूरे गुजरात में काम करते हो तो एक बार भावनगर की कोर्ट में जाना है, एक बार जूनागढ़ की कोर्ट में जाना है, एक दिन अहमदाबाद की कोर्ट में जाना है, तो लोग थोड़े उससे अलग रहने का पसंद करने लगे। स्लम पिछले सालों में गुजरात में बहुत बढ़े हैं, अहमदाबाद में भी बढ़े, भावनगर जामनगर सब जगह बढ़े, वो देखने से भी पता चलता है। और विधानसभा का अगर रिकॉर्ड्स देख ले तो सरकार ने जो जवाब दिए हैं उसमें भी साफ स्वीकारा है कि स्लम एरिया बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। क्राइम रेट में बिहार के बाद गुजरात एक साल तो सेकंड नंबर पे था। क्यों हुआ, एक पुलिस ऑफिसर ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग जमीन छोड़ के निकल रहे हैं,
वो क्या करे, रोटी कैसे खाएंगे, तो फिर चोरी तो स्वाभाविक बढ़नी है। इतने सारे केस रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड उससे बहुत बड़ी मात्रा में है। अहमदाबाद में महिलाओं ने सोने के गहने पहनने बिल्कुल बंद कर दिए, शायद ही किसी को आप देखोगे कि उसने सोने की चेन पहनी है, नहीं तो हर गुजराती लेडी के गले में सोने की चेन तो रहती ही थी, क्योंकि अब वो सेफ नहीं है। रोज की 10-12-15 चेन स्नैचिंग हो ही जाता है, तो अल्टीमेटली वो बंद कर दिया बहनों ने पहनना ही। ये HDI इंडिकेशंस इंडिकेटर है गुजरात के, सब मैंने पहले ही बता दिया है इस मामले में कि गुजरात लगातार पिछड़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा।